तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को स्टार प्लस पे आने वाले सीरियल झनक के कास्ट के रियल लाइफ लव पार्टनर से मिलवाने वाले हैं, जो कि शायद ही आप सभी जानते होंगे। और जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, काजल पिसल, जो कि इस फिल्म में तनुजा का किरदार निभा रही हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनके पति का नाम अभिजीत पिसल है। नंबर टू, सृजनी बनर्जी, जो कि इस फिल्म में मिम्मी का किरदार निभा रही हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो रियल लाइफ में सिंगल हैं। नंबर थ्री, ऋषि कौशिक, जो कि इस सीरियल में तेजस का किरदार निभा रहे हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम देवजानी है। नंबर चार, मेघना कुकरेजा, जो कि इसमें रूमी का किरदार निभा रही हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो रियल लाइफ में सिंगल हैं। नंबर पाँच, पत्राली चट्टोपाध्याय, जो कि इसमें विपाशा का किरदार निभा रही हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनके पति का नाम अर्जुन नाथ है। नंबर छः, सचिन वर्मा, जो कि इसमें शुभू का किरदार निभा रहे हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो रियल लाइफ में सिंगल हैं। नंबर सात, अंकिता चक्रवर्ती, जो कि इसमें अप्पू का किरदार निभा रही हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनके बॉयफ्रेंड का नाम प्रांतिक बनर्जी है। नंबर आठ, हिबा नवाब, जो कि इस फिल्म में झनक का किरदार निभा रही हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो रियल लाइफ में सिंगल हैं। नंबर नौ, चांदनी शर्मा, जो कि इस फिल्म अर्सी का किरदार निभा रही हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो ये भी रियल लाइफ में सिंगल हैं। नंबर दस, पूर्वा गोखले, जो कि इस फिल्म में सृष्टि का किरदार निभा रही हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनके पति का नाम केदार गोखले है। नंबर 11, कुशाल आहूजा, जो कि इस फिल्म में अनिरुद्ध का किरदार निभा रहे हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो भी रियल लाइफ में सिंगल हैं। नंबर 12, पुनीत पंजवानी, जो कि इस फिल्म छोटन का किरदार निभा रहे हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम स्नेहा पंजवानी है। नंबर 13, सौरभ अग्रवाल, जो कि इस फिल्म विनायक का किरदार निभा रहे हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम मालूम नहीं है। तो अब आप सभी का क्या कहना है और आपको इस सीरियल कैसा लगता है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।